एक्सरसाइज का नाम पढ़ लिया आपने, 5.5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जी हाँ, बहुत तेज हो गए, काफ़ी एक्साइटमेंट है ना। कितना मज़ेदार टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कि इस तरह का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्या है, इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। अरे ना, देखो क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या अंतर आएगा, ये चीज आपको एकदम बिल्कुल पता होगा। और आप देखिएगा कि पहले क्या पढ़े थे और अभी क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। काफी मजेदार टॉपिक है, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज आपका समझ में आएगा और यहां से क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सपोज वाई एक एफ एक्स का पावर जी एक्स, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, एक रहता वाई इक्वल टू एफ एक्स और इस पूरे का पावर एन होता, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझो क्या है, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। मतलब क्या हो रहा है ना कि फंक्शन का पावर फंक्शन हो रहा है, और यहां पर ध्यान अगर देखो, फंक्शन का पावर कोई कांस्टेंट कह दिया है, ये है जी कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग फिक्स्ड वैल्यू कहेंगे, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू वी विल से, ठीक है। तो अब जरा मुझे बता दो कि इसको हम लोग कैसे लेकर के चलेंगे, फंक्शन का पावर जी एक्स, मतलब एफ एक्स का पावर जी एक्स और एफ एक्स का पावर मैंने लिखा एन, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो जब भी फंक्शन का पावर फंक्शन रहेगा ना, तो वहां पर हमें लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑलरेडी इसका तो आप जानते हो, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हो, दैट इज एन एफ एक्स होगा और इस पूरे का पावर एन माइनस वन, ठीक है, जो एक्स का पावर एन का होता था ना, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, आराम से इससे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन फंक्शन का पावर फंक्शन हुआ तो हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, उस पर अभी आपको दिमाग लगाना है। तो उसके लिए क्या करना है ना कि लॉग का जितना भी फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था यहां पर अभी यूज होगा। फॉर्मूला देखना, मैंने क्या पढ़ाया था, लॉग ए बेस अगर m इंटू एन रहा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहा तो इसको प्लस के फॉर्म में कर देते हैं, ये लॉग दोनों में जाएगा, लेकिन 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 ये प्लस में हो जाएगा। मैंने लिख दिया लॉग a बेस m प्लस लॉग a बेस n, दोनों के बीच में मैंने प्लस कर दिया। उसके बाद देखो लॉग a बेस अगर मैं रखता हूं m बाई एन, तो मैं लिख दूंगा लॉग a बेस m माइनस लॉग a बेस n, अगर ये डिवाइड में हुआ ना तो लॉग दोनों में जाएगा, लेकिन जो बाई है ना वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो लॉग a बेस m का पावर n, ठीक है, ये m का पावर n, यहां रखा n, लॉग a बेस मैंने m रखा, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, ये जो पावर है इसी का भी बहुत यूज होगा, पावर का पावर, ये पहले आ जाएगा n log a बेस m। मैंने कलुआ को दिखाया, देख कलुआ ये फॉर्मूला, तो कलुआ ने दिमाग लगाया, ये तो पापा बेटा वाला है सर फॉर्मूला। मैंने बोला क्या क्या क्या, उसने बोला बगल में सर लिखो पापा और बेटा। मैंने बोला ये क्या चक्कर है पापा बेटा, तो उसने बताया मुझे कि देखो सर पापा बेटा का मतलब क्या होता है, एम समझो पापा, इसके कंधा पे बैठा हुआ है बेटा, तो आखिर पापा कब तक धोएंगे, कभी ना कभी तो थकेंगे, तो उठा करके पटक मतलब नीचे उतार दिए बेटे को, तो देखो बेटा नीचे आ गया एम, बस। हाँ बस देखो, तो यही तो है ना, एन को हमने नीचे उतार दिया, ये रहा, तो एम का पावर एन, एन लॉग ए बेस एम रखा। अब इसी को उल्टा भी कर सकते हो, बेटा नीचे घूम रहा है, पापा को तरस आया, आजा आजा बेटा आजा आजा आजा, कंधा पे ले लिया,
एम का पावर एन कर दिया, तो ये पापा बेटा वाला बहुत जगह फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और कोई फॉर्मूला है सर? फिलहाल इतना से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी आप ये सब तो जानते ही हो, अगर ए बेस ए रहा तो आंसर वन होगा, लॉग ए बेस वन हुआ तो इसका आंसर जीरो होगा, लॉग ए बेस इन्फिनिटी हुआ नहीं 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 जीरो हुआ तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए, यही पूरा का पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, इतना फॉर्मूला रिमेंबर रखो, आगे सारा क्वेश्चन हम लोग बना डालेंगे, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, क्या होगा ना कि जब भी फंक्शन का पावर फंक्शन हुआ तो हमेशा लॉग से जाएगा, और ये भी होगा अगर ऐसा भी फॉर्मेट आएगा तो भी हम लोग लॉग से बना सकते हैं। मतलब क्या है कि लॉग इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर फंक्शन का पावर कॉन्स्टेंट हुआ तो भी लॉग से बनेगा, और फंक्शन का पावर फंक्शन हुआ तो भी लॉग से बनेगा। कान इधर लो, हाँ सुन लो कान खोल करके, दोनों तरीके से फंक्शन का पावर फंक्शन रहा तो भी लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शन का पावर अगर कोई कॉन्स्टेंट हुआ तो भी लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये ध्यान देना, या मान लो कोई एन का पावर फंक्शन हुआ तो भी हम लोग लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अब मैं समझा सकता हूं आपको दैट इज व्हाट कि लॉग का हम लोग कहां कहां यूज करेंगे। पहला जो यूज होगा लॉग का यूज होगा ये फंक्शन का पावर फंक्शन में, उसके बाद फंक्शन का पावर कोई कांस्टेंट रहा या कांस्टेंट का पावर फंक्शन आ जाए तो कहीं भी बिंदास हम लोग लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा मेरी बात? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। वेल आओ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन अभी मैं दिया, वाई इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन मैंने कलुआ को दिया, तो कलुआ कैसे बनाता है? कलुआ का तो टॉपर बनना है, तो कलुआ ने दिमाग लगाया कि सर आपने पढ़ाया ये भी फंक्शन है, मैंने बोला हाँ, ये भी फंक्शन है, मैंने बोला हाँ, तब तो सर मजा आ जाएगा। मैंने बोला क्यों? क्योंकि दोनों साइड आप क्या कर दो ना, लॉग लगा दो, ठीक है, दोनों साइड आप लॉग लगा दो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस साइड भी लॉग लगा दिया लॉग ई बेस वाई, और इधर भी हमने लॉग लगा दिया लॉग ई बेस एक्स का पावर साइन एक्स मैंने कर दिया, ठीक है। दोनों साइड मैंने लॉग लगा दिया, इस साइड भी लॉग लगा दिया, इस साइड भी, क्योंकि आपने अभी तुरंत पढ़ाया था कि फंक्शन का पावर फंक्शन अगर हुआ तो वी कैन यूज द लॉग, ठीक है। अब जैसे देखो तो लॉग ई बेस वाई, अभी बोला था पप्पा बेटा वाला याद करो, ठीक है, ये पप्पा ये बेटा, और बेटा को नीचे उतार दो। मैंने पूछा रुको रुको रुको, सुनो कलुआ तू, तुमने क्या किया है कि दोनों साइड लॉग लगा दिया है, कौन सा बेस? ई बेस। हाँ, आपको जब भी कैलकुलस में यूज करना है तो बाय डिफॉल्ट ई बेस यूज करना है, ठीक है। तो इधर भी लॉग, इस साइड भी लॉग, मैंने क्या किया साइन एक्स लिखा, इट इज लॉग ई बेस एक्स मैंने लिखा, ठीक है, लॉग ई बेस एक्स मैंने किया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, मैंने बोला इतना करने के बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड लिख दिया। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इस साइड क्या होगा? मैंने बोला कलुआ जरा बता ये कैसे टूटेगा, तो कलुआ का दिमाग काम किया क्योंकि टॉपर बनना है उसे, ठीक है, अपने सपने पूरा करना है, मम्मी पापा के सपने पूरा करना है। तो कलुआ ने क्या दिमाग लगाया कि सर यहां पर देखो ना दो फंक्शन दिख रहा है, एक लॉग फंक्शन है, मैंने बोला हाँ, उसके अंदर एक वाई फंक्शन है, मैंने बोला हाँ, तो सर हुआ ना दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने बोला कर। तो उसने क्या किया कि लॉग वाई का किया तो वन बाई वाई हो जाएगा, मैंने बोला ठीक है, फिर वाई का करेगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो दो दो बार उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर बोला कि ये कैसे तोड़ेगा, तो उसने बोला कि देखो सर ये तो और भी आसान है, मैंने बोला कैसे आसान है, ये हमारा u है और ये हमारा v फंक्शन है, ठीक है, u इंटू v दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में है,
मैंने बोला ठीक है, दिमाग तो काम कर रहा है, बढ़िया। उसने क्या किया, साइन फंक्शन को बाहर निकाला, साइन एक्स इंटू, और किसको डिफ्रेंशिएट करेगा, लॉग एक्स का, तो वन बाई एक्स हो जाएगा। मैंने बोला वेरी गुड, और एक्स का क्या करोगे? उसने बोला एक्स का तो कर देंगे लेकिन वन आएगा सर, डी एक्स बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना ठीक है छोड़ दो, प्लस उसके बाद हमने क्या करेंगे, लॉग ई एक्स, इसको साइड करो, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या होगा जी, इट विल बी कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स मैंने किया, ठीक है। अब आप क्या कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, इस वाई को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई, और ये पूरा हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और ये आ जाएगा लॉग ई बेस एक्स और इंटू कॉस एक्स हो गया, ठीक है, कॉस एक्स हो गया। तो चलो एक चीज और देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस वाई का वैल्यू कुछ करोगे क्या? तो वो सोच में पड़ गया, सर क्या करें क्या करें। मैंने बोला जब भी टेंशन होता है ना तो ऊपर वाला को ध्यान दो, ऊपर वाला को याद करो। तो अच्छा हाँ, ऊपर वाला ऊपर, अच्छा ये करना था मुझे, y का वैल्यू रिमेंबर रखो, x का पावर साइन x, और जो जो वैल्यू थी ना आप उठा कर रख दो, साइन x बाई एक्स प्लस log x, और हमने रखा cos x मैंने कर दिया। मैंने बोला वेरी गुड, यही आंसर है। मतलब इसमें क्या है ना कि इम्प्लिसिट फंक्शन का भी कंसेप्ट आ गया, लॉग का भी आ गया, चेन रूल भी आ गया, मतलब मजेदार है, एकदम हल्दीराम का मिक्सचर कह जैसा, ठीक है। आइए आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो देख लेते हैं, पहले कुछ एग्जांपल का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये सारे एग्जांपल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ डिफरेंशिएट 30 नंबर अंडर रूट, ये रखा अंडर रूट, ध्यान से देखना है, एक्स माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा मतलब टफ लग रहा है। मैंने बोला ना देखो कैसे बनेगा, इस वाई को आप रहने दो, एक्स माइनस थ्री छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस भी लिख लो बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव लिख लो। मैंने बोला ठीक है लिख लो। अच्छा ये रूट है ना, रूट का क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, ओ अच्छा ठीक, इसका करेंगे वन बाई टू, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, दिस इज रूट वन बाई टू वी विल गेट हियर, ठीक है। अच्छा इतना आ गया, आप बताओ ये तो पूरा फंक्शन है और फंक्शन का पावर n दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो भी यहाँ पे लॉग लगा सकते हैं, ठीक है। तो लॉग लगा दो दोनों साइड, इस साइड भी लॉग बेस ई वाई और इस साइड भी लगाएंगे लॉग ई बेस, ये पूरा लिख दो, थोड़ा लंबा है लेकिन लिखना पड़ेगा, मार्क्स भी लंबा लंबा मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। और थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव पूरे का पावर वन बाई टू मैंने लिखा, ठीक है, पूरे का पावर वन बाई टू लिख दिया। अब क्या करोगे, तो कलुआ ने दिमाग लगाया, पप्पा बेटा पप्पा बेटा पप्पा बेटा, मैंने बोला ठीक है आजा भाई पप्पा बेटा, ये पप्पा उधर से बेटा, लॉग ई बेस वाई वन बाई टू लॉग ई बेस, यहाँ रखा x माइनस थ्री, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव मैंने लिख दिया। मैंने बोला ठीक है बहुत अच्छा, उसके बाद क्या करोगे, log e बेस y लिखा, हाफ की जगह हाफ, फिर मैंने क्या दिमाग दिया कि देखो कलुआ टॉपर बनना है, हाँ हाँ बनना है, तो क्या करोगे, ये y के फॉर्म में है, log में पढ़ाया था, जो बाई के फॉर्म में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा वो प्लस में चला जाएगा, ठीक है ध्यान से देखना। तो बोला हाँ सर आप तो बताए थे, तो देखो ये पूरा m पूरा n, तो ये और ये माइनस में जाएगा
और ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो लिख दो लॉग ई बेस एक्स माइनस थ्री, और लॉग सब पे जाएगा। जैसे ये मम्मी है, इसके तीन बेटा है, करण, अर्जुन, देवानंद, चॉकलेट देगी तो सबको देगी, तो लॉग जाएगा तो सब पर जाएगा। हेलो, ठीक है। लॉग ई बेस एक्स माइनस थ्री प्लस मैंने लिखा लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस लॉग ई बेस इट इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस मैंने लिखा फाइव। अब बात समझ में आ रही होगी, मैंने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में किया तो क्या हो जाएगा, ये log x माइनस थ्री प्लस log x स्क्वायर प्लस फोर माइनस log e बेस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव मैंने लिखा, ठीक है। अब इतना बात समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, जो मल्टीप्लाई है बीच में प्लस कर दो log लगा के, और बाई है उसको माइनस कर दो। अब ढिंका चिका होगा, देखो ढिंका चिका क्या होगा, तो ढिंका चिका करने के लिए इसको पहले इधर कर दें। हाँ देखो जी, क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, आप लिख दो डिफरेंशिएट, ठीक है, बोथ साइड अपना स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। तो ये तो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, चेन रूल, दो दो फंक्शन इसमें इन किया हुआ है, एक लॉग का करोगे तो वन बाई वाई आ जाएगा, और वाई का किया तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, सो सिंपल। लो हट जाता हूँ थोड़ा सा, देख लो, उसके बाद वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, ये डिफरेंशिएशन अंदर घुसेगा एक 47 लेकर धड़ 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 करके, इसको डिफरेंशिएट करो क्या होगा, 1 बाई एक्स माइनस थ्री इंटू, क्योंकि पहले लॉक को किया तो ये पूरा x, इसको नीचे उतारो, 1 बाई एक्स माइनस थ्री, और फिर x माइनस थ्री को किया तो आ जाएगा 1, बीच में प्लस हो गया आपका। उसके बाद यहाँ कर दो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस मैंने लिखा 4, ठीक है, और इनटू लिखा मैंने 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और 4 का कितना हो गया 0, लिख सकते हैं माइनस। अब इसको थोड़ा सा देख लें, इस पर क्या काम करेंगे, ये लॉग है पूरा का पूरा x, 1 बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हमने लिखा 5 इनटू, और इसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x स्क्वायर है ना, तो अब लिख दो 3 तो कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस हमने लिखा 4, ठीक है, देख लेते हैं, 3 कांस्टेंट था बाहर निकला, एक्स स्क्वायर का 2x मैंने किया, और 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ गया, x का करोगे 1 आ जाएगा, 5 का तो 0 था, ठीक है। अब देखो जी कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, पूरा ध्यान से देखिएगा, यही 1 बाई वाई है, डी वाई बाई डी एक्स है, 1 बाई 2 लिख रहा है, क्या करेंगे 1 बाई एक्स माइनस थ्री और ऊपर 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, सॉल्व करके देख लो, ये हो गया 6x प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस मैंने लिखा 5 कर दिया, ठीक है। बस अब क्या कर सकते हैं, सिर्फ y को इधर सेंड कर दो तो ये हमारा y हो जाएगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स, ये हमारा y जाएगा ना इस साइड, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे y और 1 बाई टू लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से करके, यू कैन सेंड द वैल्यू ऑफ y हियर, ये हो जाएगा y बाई टू, और ये पूरा का पूरा जो भी है ना ये छाप दो उठा करके, x माइनस थ्री इट इज 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 इट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस मैंने लिखा 5, ये देख लीजिए पूरा का पूरा। अब आप क्या करोगे इन द प्लेस ऑफ y, अब y की जगह आप कोई वैल्यू पुट कर दोगे जो दिया हुआ था स्टार्टिंग में, देखिए y, जब भी कुछ समझ में नहीं आता है तो बताया था कि ऊपर वाला को याद करो, तो y का वैल्यू स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था, स्टार्टिंग में रूट में दिया हुआ था, और रूट में जरा देखो तो क्या दिख रहा है, इट इज x माइनस थ्री और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस मैंने लिखा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x और मैंने लिखा 5 कर दिया, ठीक है, और पूरा यहाँ पे लिख दो 1 बाई एक्स माइनस थ्री प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 और यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x और लिखा मैंने प्लस 5, ठीक है।
ये पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। यही वो खतरनाक कूल और मार्क्स दिलाने वाला आंसर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, चलो चलो चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आप लोग को आ गया होगा कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं लॉ के क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, एकदम बने रहिए सर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं। हालांकि देखो ये 31 में दिया हुआ है y इक्वल टू a का पावर x, और ऑलरेडी आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला पढ़ाया गया था a का पावर x log e बेस a, ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला ही होता है। लेकिन चलो क्या इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। एक तो प्रोसेस है कि बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से मैं इसको प्रूफ करूं, और दूसरा जो प्रोसेस है कि विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दोनों साइड लॉग लगा दो, लॉग ई बेस वाई लॉग ई बेस ए का पावर एक्स मैंने लिखा, ठीक है, ए का पावर एक्स। नाउ लॉग ई बेस वाई, एक्स बाहर निकलेगा, लॉग ई बेस ए मैंने लिख दी क्योंकि एम का पावर एन तो रखेंगे ही ना हम लोग, ठीक है। तो एक्स लॉग ई बेस वाई रखा, दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 1/y, ये हो गया dy/dx। और इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो log e बेस a और इनटू x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट विल बी 1, ठीक है, ये 1 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy/dx y log e बेस a, लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन dy/dx। और y के जगह मैंने क्या लिखा, वो वैल्यू उठा दो a का पावर x log e बेस a, ठीक है, क्योंकि इन द प्लेस ऑफ y यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, एंड द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, दैट इज a का पावर x हो, ठीक है। चलो एक और देखते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, हालांकि ये तो मैं अभी बता दिया हूँ, 32 नंबर तुरंत अभी सॉल्व करवाया हूँ, एक्स का पावर साइन एक्स जो था, इस तरह का क्वेश्चन अभी फर्स्ट में मैंने शायद बताया अभी आप लोग को, उसी तरह बना लीजिएगा, आंसर बन जाएगा। एक मैं आपको और बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखा जा सकता है, इट इज़ गिवन वाई इक्वल टू, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर y का पावर x प्लस ये हो गया x का पावर y प्लस ये हो गया x का पावर x, x का पावर x इक्वल टू a का पावर b हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिख रहा है x का पावर y प्लस x का y का पावर x और x का पावर x इक्वल टू ए का पावर बी हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब जब भी प्लस में आएगा ना, संभल जाना, लंबा बनेगा, अच्छा स्टेप है, देखो कैसे काम होगा। यहां डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते क्योंकि प्लस में कोई लॉग का फॉर्मूला नहीं बताया है। हाँ, मल्टीप्लाई होता था तो दोनों में प्लस चला जाता था, दैट इज डिफरेंट, ये अलग चीज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप इसको ले लो कुछ भी, इसका P, Q और इसका नाम रख दो R, ठीक है, P, Q, R। और तो मैं लिख सकता हूँ P प्लस Q प्लस R इक्वल टू A का पावर B, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब dP by dx प्लस dQ by dx, और इधर रखा dR by dx इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि a का पावर b है, दोनों कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब पता है क्या करना है आपको, dp by dx कैलकुलेट करना है, dq by dx कैलकुलेट करना है, और dr by dx कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए। तो यहां पर मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, यू हैव टू कैलकुलेट dp by dx, dq by dx, dr by dx, ठीक है। तीना लोहा सुनाई दे रहा है, पहले सुन लो, उसी को सुन लो, ठीक। चलिए पढ़ाई करते हैं, dp by dx, dq by dx, dr by dx इक्वल टू जीरो,
तो अभी हमें क्या करना है ना, इसे भी कैलकुलेट करना, इसे भी कैलकुलेट करना, इसे भी कैलकुलेट करना, तीन समझो कि अलग अलग क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जब भी प्लस वाला लॉग में आता है तो इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो अब जैसे देखो क्या करेंगे हम लोग, तो हमने क्या किया था ना, पहले देख लो पी किसे अज्यूम किया था, पी था वाई का पावर एक्स, फंक्शन का पावर फंक्शन, दोनों साइड लॉग लगा दो, लॉग ई बेस पी, इधर भी लॉग ई बेस वाई का पावर एक्स, यहाँ पप्पा बेटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लगाएंगे, एक्स को बाहर उतारेंगे, लॉग ई बेस पी, एक्स बाहर निकला, लॉग ई बेस वाई लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन लगाओ, ऑलरेडी अभी आपको पढ़ाया गया है कि कैसे यूज करेंगे, ये होगा 1 बाई पी और इसको लिखेंगे डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, 1 बाई पी डी पी बाई डी एक्स, इससे बताओ x बाहर निकलेगा और पहले लॉग का करेंगे तो 1 बाई वाई आएगा, और y का किया तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। नहीं समझे, पहले x को बाहर निकालो लॉग y को तो 1 बाई वाई, और y का किया तो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये हो गया लॉग ई बेस वाई इन टू, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, x का करोगे तो x का किया तो 1 हो जाएगा, ये लिखेंगे ना हम लोग। एक बार फिर से देखो, x बाहर निकला 1 बाई वाई, वाई किया तो डी वाई बाई डी एक्स, और लॉग y था ये बाहर निकला, x का करेंगे तो 1 लिखेंगे हम, लिख सकते हैं, इसको इधर लाओ तो कुछ गड़बड़ है शायद, एक मिनट देख लेते हैं इसको, फिर हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। पी क्यू आर हो गया डी, ये तो ठीक है, इसको पी अज्यूम किया गया था, इस साइड लिया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया, ठीक है, 1 बाई पी डी पी बाई डी एक्स, एक्स 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और लॉग ई बेस वाई। ठीक है, मुझे निकालना है डी पी बाई डी एक्स निकालना है जी, पी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बाई वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इट विल बी लॉग ई बेस वाई हो गया। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, और क्या कर लो ना, डी पी बाई डी एक्स रहने दो, और इन द प्लेस ऑफ पी जो वैल्यू पुट किया था वाई का पावर एक्स, यहाँ रख दो वाई का पावर एक्स, और लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स लॉग ई बेस वाई मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला पार्ट आ गया, इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, उसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट तुरंत बताता हूँ, जल्दी से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ऑलराइट, तो इसका दूसरा पार्ट अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है। इस बार सेकेंड पार्ट में देखना, क्यू जो है ना एक्स का पावर वाई होगी, बस थोड़ा सा अलग कर देंगे, नाउ क्यू इक्वल टू एक्स का पावर वाई लिखेंगे। ठीक है, पहले y का पावर x था, अब x का पावर y हो गया, एकदम उसी तरह से log लगाओ, q हो जाएगा, इधर log लगेगा तो y पहले आ जाएगा, log e बेस x लिख सकते हैं, स्टेप एक मैंने उड़ा दिया है, y को पहले लिखेंगे log e बेस x लिखेंगे। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1 बाई क्यू होगा और होगा डी क्यू बाई डी एक्स होगा, इसे करो प्रोडक्ट रूल पे टूटेगा, y बाहर आएगा, log x का किया 1 बाई एक्स, फिर मैंने लिखा log e बेस x इंटू वाई का किया तो dy वाई बाई डी एक्स हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, dq क्यू बाई डी एक्स मैंने लिखा, इस q को मल्टीप्लाई कर दो, इट इज y बाई एक्स मैंने लिखा, और ये हो जाएगा log e बेस x, दिस इज dy वाई बाई डी एक्स, लिखा जा सकता है, और यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा जगह ले लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी एक्स रखो और इस साइड q कर दो, तो इन द प्लेस ऑफ q क्या हम लोग लिख सकते हैं जी, इट्स x का पावर y लिख दिया मैंने, यही तो लिख सकते हैं, ये हो गया y बाई एक्स और प्लस log e बेस x एंड वी आर गेटिंग डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, तो ये हमारा आ गया डी क्यू बाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट, वेल एक और देखते हैं हम लोग,
नाउ एक और हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं क्या इसका हो सकता है। पी क्यू आर, एक आर लिया था जहां पर x का पावर x था, ठीक है, इट इज x का पावर मैंने क्या कर दिया, x कर दिया। इसको जरा सॉल्व करके देख लो, ये हो गया लॉग e बेस r x लॉग e बेस x मैंने लिखा, ठीक है, x बाहर निकला लॉग e बेस x कर दिया क्योंकि लॉग दोनों पे लगेगा, तो ये पप्पा बेटा वाला x बाहर निकल जाएगा, लॉग x हो जाएगा आपका। डिफ्रेंशिएट कर लो 1 बाई आर और ये हो गया डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाहर लॉग एक्स का किया तो 1 बाई एक्स प्लस फिर मैंने लिखा लॉग एक्स इंटू 1, लिख सकते हैं एक्स बाहर निकला लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस फिर मैं लिखूंगा लॉग एक्स इंटू 1 मैंने लिखा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डी आर बाई डी एक्स, आर कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई कर दो, 1 बचा ये हो जाएगा लॉग ई बेस एक्स मैंने रखा, ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ डी आर बाई डी एक्स और इन द प्लेस ऑफ एक्स आई कैन पुट एक्स का पावर एक्स 1 प्लस इट इज लॉग ई बेस एक्स। एक बार देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा अपने ख्यालों में थोड़ा सा खो गया था, ठीक है, आप लोग भी ऐसा एक बार देख लो, ठीक है, क्या दिया हुआ है। तो अब हमें क्या चाहिए ना, नाउ यहां पर थोड़ा ध्यान दो, अब हमें जो चाहिए दिस इज डी पी बाई डी एक्स था प्लस डी क्यू बाई डी एक्स था और प्लस डी आर बाई डी एक्स से इक्वल टू जीरो, यही तो आया था हमारे पास। और जब ये आया था तो इस पर उठा करके अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, सब वैल्यू उठा करके पुट कर दो, जो जो आपको बताया गया था डी पी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्या था डी पी बाई डी एक्स, एक मिनट, हाँ ये है देखो जी डी पी बाई डी एक्स, ये दिख रहा है, हाँ एक मिनट, डी पी बाई डी एक्स सबका वैल्यू उठा के रख देते हैं हम लोग, ये रखो डी पी बाई डी एक्स का वैल्यू, यहाँ पर ले आते हैं डी पी वाई डी एक्स का, ये पूरा का पूरा वैल्यू डी पी वाई डी एक्स के जगह है, तो मैं इसको उठा करके यहाँ पर लाता हूँ, कहाँ ले जाऊँ कहाँ ले जाऊँ, ये तो दिख नहीं रहा है, अच्छा ठीक है, वेल मैं लिख ही देता हूँ, रुको टेंशन ना लो मैं लिख देता हूँ, ये देखो डी पी वाई डी एक्स का जो वैल्यू क्या क्या आया है मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास था y का पावर x और ब्रैकेट में x बाई वाई और ये होगा dy वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y हो गया, ठीक है, और प्लस dq क्यू बाई डी एक्स का वैल्यू भी रख दो उठा करके, ये होगा x का पावर y मैंने रखा, ठीक है, ये x का पावर y रखा मैंने y बाई एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस x का पावर x 1 प्लस इट विल बी लॉग एक्स इक्वल टू जीरो लिखा जा सकता है, ये सब इक्वल टू जीरो मैंने रखे। और मुझे क्या निकालना था ध्यान से देखिएगा, मुझे तो चाहिए था dy बाई डी एक्स, तो देखो जी dy बाई डी एक्स अब कैसे निकलेगा, यहाँ से एक इक्वेशन मिला, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग को गेम खेलना है और वो देखो गेम क्या हो सकता है। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y का पावर x इंटू एक्स बाई वाई और ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स प्लस y का पावर x, ये हो जाएगा log e बेस y, इसको मल्टीप्लाई कर लो x का पावर y, ये हो गया y बाई एक्स प्लस x का पावर y, अब लिख सकते हैं हम लोग log x, ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई करते चले जाओ और इसे भी कर दो x का पावर x और प्लस x का पावर x log x रख दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू जीरो। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये कलुआ गलती कर सकता है, इसे इसे मल्टीप्लाई करो y का पावर x
एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसे इसे मल्टीप्लाई करो, वाई का पावर एक्स लॉग ई बेस वाई, इसे इसे मल्टीप्लाई करो, एक्स का पावर वाई वाई बाई एक्स, इसे इसे मल्टीप्लाई कर लो, एक्स का पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसे इसे मल्टीप्लाई करो, एक्स का पावर एक्स एक्स का पावर एक्स लॉग एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे ना, ये ले लो और ये ले लो, ठीक है, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई वाई का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर वाई, और ये हो जाएगा लॉग एक्स हो गया। ठीक है, और इस साइड सब उठा करके लेकर के आओ तो क्या होगा ना, माइनस एक्स का पावर एक्स एक्स का पावर एक्स, ये हो गया लॉग एक्स। ठीक है, इसको उठा करके इस साइड लो तो माइनस एक्स का पावर वाई वाई बाई एक्स, आराम से लाना जी, कहीं टूट टूट ना जाए, वाई का पावर एक्स लॉग ई बेस वाई, एक बार बढ़िया से देख लो, कहीं गलती ना हो जाए, ध्यान से देखो। तो दो ही था डी वाई बाई डी एक्स जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको इस तरह से बताया, और उसके बाद ये चार इधर थे, सबको उठा करके लाया, लेकिन देख लेते हैं कहीं उधर ले जाने में कुछ टूट टूट तो नहीं गया है ना, उधर गया, चल ठीक गया, तू भी ठीक गया, और इसको भी ले जाओ वाई का पावर एक्स वाई बाई एक्स, इससे भी पूरा ले करके जाओ वाई का पावर एक्स लॉग ई बेस वाई। तो अब हम लोग कैसे काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, इसको सिर्फ डिवाइड करना है, ठीक है, सिर्फ देखना डिवाइड करना है, मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर क्या है ना, ये वाई दिख रहा है आपको और वाई का पावर एक्स है, तो जब बेस सेम रहता है और पावर अलग अलग रहता है तो माइनस करते हैं हम लोग पावर को। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस करने पे, देखो जी वहाँ देख लो, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ देखो, ये देखिए, तो इसको तो लिखा ही जा सकता है, तो माइनस, अब चाहो तो कॉमन निकाल दो, एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स रखा, प्लस हो जाएगा, उसके बाद एक्स का पावर, यहाँ वाई है यहाँ एक्स है, तो मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस वन, और इधर मैंने लिखा वाई कर दिया, माइनस वाई का पावर एक्स लॉग ई बेस वाई रखा मैंने, ठीक है, और ये प्लस में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, सारा नेगेटिव बाहर आ गया, एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स का पावर वाई माइनस वन वाई वाई का पावर एक्स लॉग वाई, ठीक है, और वाई यहाँ पे डिवाइड करूँ, और जब डिवाइड करोगे तो एक्स रहेगा ही, और इसको डिवाइड किया तो वाई का पावर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन रखा, बेस बेस सेम है, दोनों पावर को माइनस किया तो एक्स माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे रहने दो एक्स का पावर वाई और इट विल बी लॉग एक्स, ठीक है, एक्स का पावर वाई लॉग एक्स हो गया आपका। तो यही हमारा डी वाई बाई टी एक्स है, दिस इज डी वाई बाई टी एक्स हो गया आपका। तो बात समझ में आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया तो झूठ मूठ का उल्टा पुल्टा कमेंट करोगे तुम लोग। एक मिनट देख लो जी, हाँ ठीक है, एक्स का पावर एक्स, इस दोनों में से आंसर में खाली कॉमन निकाल लिया गया और सब कुछ ठीक ठाक, अभी तक ठीक है, टेंशन मत लो। एक्स का पावर वाई माइनस वन और वाई है, ठीक है, और वाई का पावर एक्स लॉग ई बेस वाई, ठीक है, सब चकाचक है, बस बाकी आप लोग देख लेना, कुछ गलती सलती हुआ तो अपना रेक्टिफाई कर लेना, क्लियर। लेकिन बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस सीखो, अगर प्लस वाला जब भी क्वेश्चन आया ना तो हम लोग इसी प्रोसेस पे काम करेंगे। आप समझो इसके अंदर मैंने तीन क्वेश्चन बनाया, तीनों को फाइनली जा करके ऐड करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस कल हुआ मतलब, चलो बाय।